हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अशफाक और मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूं। ये है सोशियोलॉजी का नया वीडियो। ओके, इसमें मैंने 15 क्वेश्चन को कवर किया हूं जो कि आपको 12th एग्ज़ाम 2020 के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। ओके, तो इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ आपको, और इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने बहुत सारा वीडियो बना बना करके इसमें डाल चुका हूँ अपने चैनल पे। आप अपने चैनल पे जाए, प्लेलिस्ट में देखें, सब सीक्वेंस से बना हुआ है। ओके, आप उसे देख सकते हैं और आसानी से अपनी 12th की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे कमांड बनाने के लिए जो एक मैंने अभियान चलाई है, वो उसमें आप बहुत अच्छी तरीके से आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए बिना देर के हुए मैं आपको बता दूं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, सोसाइटी इन इंडिया किसने लिखी। ओके, ये पुस्तक का नाम है सोसाइटी इन इंडिया किसने लिखी। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, यानी कि मेंडेलबम। ओके, मेंडेलबम ने जो है सोसाइटी इन इंडिया ने लिखी है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखें हमारा, किसने कहा था धर्म किसकी आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। धर्म किसी आध्यात्मिक शक्ति में, यहाँ पे लिखने में टाइप गलत हो गया, किसी होगा, धर्म किसी आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, ये किसने कहा था। तो दो का जो सही ऑप्शन आपका है वो है टाइलर ने। ओके, टाइलर ने इसे कहा था, तो ऑप्शन हमारा ए जो है करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मध्या भोजन कहाँ लागू हुआ है। मध्या भोजन यानी कि मिड डे मील जो बोलते हैं, ओके, उसको बोलते हैं मध्या भोजन। तो आपको पता है मध्या भोजन जो है स्कूलों में लागू हुआ है, यानी कि ऑप्शन हमारा ए जो है करेक्ट है। नेक्स्ट देखें, परिवार निर्माण के लिए किनका होना ज़रूरी है। तो आप ऑप्शन देखें तो बता सकते हैं परिवार निर्माण होना किसका होना ज़रूरी है, पति और पत्नी का, यानी कि ऑप्शन हमारा सी जो है करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन देखें, भारत के लोग मुख्य रूप से आश्रित है, यानी कि भारत के लोग किस पर डिपेंड करते हैं। तो ऐसे ही भारत को हम लोग बोलते हैं कृषि प्रधान देश बोला जाता है भारत को। ओके, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है कि भारत के लोग मुख्य रूप से कृषि पर मुख्य आश्रित है। नेक्स्ट सवाल देखें, होम रूल के संस्थापक कौन है। होम रूल लीग के जो संस्थापक है, इनके ऑप्शन हमारा बी सही है, बाल गंगाधर तिलक। ओके, तो मैं बता दूं, होम रूल लीग में दो आदमी थे, पहला तो बाल गंगाधर तिलक हो गया और दूसरा थे एनी बेसेंट। ओके, एनी बेसेंट भी होम रूल लीग के संस्थापक में, दोनों का नाम आता है। नेक्स्ट सवाल देखें, इनमें से कौन उदारीकरण की देन है। उदारीकरण के कौन देन है, बाजारवाद, वैश्वीकरण, निजीकरण, यानी कि उदारीकरण में समाज आगे बढ़ना। ओके, तो इसका सही आंसर होने वाला तीन, यानी कि ऑप्शन सही थ्री, ऑप्शन डी जो है तीनों होगा। नेक्स्ट सवाल देखें, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए एक आरक्षण दिया हुआ, किस समय अनुच्छेद के अनुसार। तो आपका आठवां का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 330, यानी कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो मुंडा विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो किए थे बिरसा मुंडा ने। ओके, यानी कि ऑप्शन हमारा बी है, करेक्ट आंसर है, बिरसा मुंडा ने। नेक्स्ट देखें, होम रूल लीग की स्थापना कब की गई। तो अभी मैंने पहले बताया था कि होम रूल लीग की स्थापना करने वाला कौन था, एनी बेसेंट था और बाल गंगाधर तिलक था। तो इसकी जो स्थापना किया गया था 1916 में। ओके, 1916 में, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखें, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, यानी कि ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखें, 12 नंबर क्वेश्चन में, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो कभी कभी इसका ऑप्शन 8 अगस्त, कभी 9 अगस्त देता है। तो आप याद रखें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, तो 9 अगस्त 1942 में। किसी किसी क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेगा 8 अगस्त 1942 में, तो जब 8 अगस्त रहे तो आप 8 अगस्त को टिक आउट करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत किसका उपनिवेश था। तो आपको पता होगा कि भारत किसका उपनिवेश था, तो इंग्लैंड का, 200 साल तक इंग्लैंड ने राज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है। ओके, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है, तो 14 का जो सही आंसर होने वाला है ये देखिए, राष्ट्रवाद सामाजिक पृष्ठभूमि, सामान्य पृष्ठभूमि, सामान्य जाति पृष्ठभूमि, सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि, यानी कि तीनों जिसमें पाया जाएगा उसी को हम लोग राष्ट्रवाद बोल सकते हैं। लेकिन इनमें से सभी होगा, ये ऑप्शन कोई नहीं होगा। ओके, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक ऑप्शन आपका है सामान्य भौगोलिक पृष्ठ, यानी कि ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन हमारा सी जो है करेक्ट आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट देखें, जनांकिकी
विज्ञान है। जनांकिकी विज्ञान यानी कि किस कौन सा विज्ञान से संबंधित रखता है, तो किस जनांकिकी, अब देखिए जनसंख्या से पता चल रहा है जनांकिकी, यानी कि जनसंख्या का अध्ययन को बोलते हैं जनांकिकी विज्ञान। तो आपको 15 क्वेश्चन में बताया हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपको हेल्पफुल हुए होंगे और मददगार आपके एग्जाम में साबित होने वाला है। तो इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल छोड़ कर जाएँ, पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर लें। ओके, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, डैट्स ऑल। और ये सारे क्वेश्चन आपके लिए है, सोशियोलॉजी के लिए है, और आपके अगर जो भी फ्रेंड कोई पढ़ रहे होंगे ट्वेल्थ में, तो आप उसको बता सकते हैं कि इस चैनल पे मैंने ट्वेल्थ का बहुत सारा वीडियो डाल चुका हूँ, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो मैंने डाला हूँ। ओके, तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, डैट्स ऑल।